हेलो गाइस, तो आज जो सीरीज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है प्रवोक, एपिसोड नंबर 4। एपिसोड 4 की शुरुआत में दिखाया जाता है कि आज रात चैरिटी का दिन होता है योंगसांग इंडस्ट्री के लिए। तो दिखाया जाता है तू जिन चुआंग जो होता है वो सारे के सारे सेलिब्रिटीज के साथ अपने ग्लास को रेज कर रहा होता है। वहाँ पर बहुत सारे जर्नलिस्ट आए होते हैं सीन में, जो कि इंटरव्यू लेना चाहते हैं दू जियांग चुआंग का। तो दिखाया जाता है उन सारे जर्नलिस्ट को ब्लॉक कर दिया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि एक टाइम होगा जो रखा जाएगा क्वेश्चन आंसर्स के लिए। तो दिखाया जाता है एक बहुत ही शार्प टंग जर्नलिस्ट दू चुआंग से पूछ लेता है कि वो कैसे बन गया चेयरमैन योंगसांग इंडस्ट्री का। तो वहीं दिखाया जाता है कि दू जिन चुआंग जो होता है वो बहुत ही सुपरफिशियली उसे कॉम्प्लीमेंट देता है कि वो भी एक दिन एक टॉप जर्नलिस्ट बन जाएगा इस टैंक सिटी का आने वाले 10 सालों में। लेकिन वो सीक्रेटली अपने सबऑर्डिनेट को ऑर्डर करता है कि इसका ध्यान रखे। वहीं दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दू जियांग यू जो होता है वो एक्सट्रीमली ब्रेव नज़र आता है। वो अकेला ही उन सारे लोगों से फाइट करता है जो कि यंग मास्टर जेंग के होते हैं, और उसे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो एक शार्प वुडन स्टिक को यंग मास्टर के थ्रोट की तरफ पॉइंट आउट कर देता है, जिसे वो स्केयर करता है। दिखाया जाता है कि दू जियांग यू जो होता है जियांगिंग को छुड़ाता है, जिसे चेयर से बांधा होता है बहुत लंबे समय तक, तो उसके शरीर के ऊपर ब्लड स्टेन आ जाते हैं जो कि रोप की वजह से होते हैं। दिखाया जाता है कि दू जियांग यू जो होता है वो पूरा का पूरा जख्मों से कवर अप होता है और वो जियांगिंग को रेस्क्यू कर देता है डेंजर से। दिखाया जाता है वो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं जैसे ही वो वेयर हाउस से निकल रहे होते हैं। लेकिन दिखाया जाता है जियांगिंग के पैर जो होते हैं वो नम पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से दू जियांग यू जो होता है उसे उठा लेता है और लीव करना स्टार्ट करता है। दिखाया जाता है जो उनके पीछे डोर होता है वो खुलता है और फाइनली दू जियांग यू के आदमी वहाँ पर आते हैं बैकअप के लिए। लेकिन बहुत लेट हो चुका होता है क्योंकि दू जियांग यू ने ही खुद ही सारा काम कर दिया होता है। दिखाया जाता है जियांगिंग को फील होता है कि ये अप्रोप्रिएट नहीं है कि उसे दू जियांग जो है वो पब्लिक में इस तरह से कैरी करे, तो इसीलिए वो उसे पूछती है कि वो उसे नीचे उतार दे। लेकिन दिखाया जाता है करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग दू जियांग के पास कोई चॉइस नहीं रहता और वो उसे कैरी करता है वेयर हाउस से बाहर। दिखाया जाता है कि जो ब्लड होता है उसके चेहरे से वो जियांगिंग के सफ़ेद हाथों पर गिरता है। वहीं दिखाया जाता है कि दू जियांग यू अपने आदमियों को कहता है कि जहाँ पर फाइट हुई है इस पूरे सीन को क्लीन अप कर दिया जाए, और वो खुद जियांगिंग को एस्कॉर्ट करता है और उसको वापस छोड़ने जाता है। तो दिखाया जाता है जियांगिंग कहती है उसे कि वो किसी को भी ओ नहीं करेगी, वो किसी का भी फेवर अपने पास नहीं रखेगी। और दिखाया जाता है कि वो दू जियांग यू के चेहरे पे जो खून होता है उस पे हाथ लगाती है और फिर उस खून को अपने माथे पर लगा देती है। वहीं दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर योंगसांग चैरिटी नाइट चल रही होती है, जहाँ पर सेकेंड मास्टर जेंग फैमिली का भागते हुए अपने लोगों के साथ आता है और वो डिमांड करता है दू जियांग चुआंग से कि वो उसको एक्सप्लेनेशन दे। तो वहीं दू जियांग चुआंग को लगता है कि सेकंड मास्टर जो जेंग फैमिली का है वो इसीलिए गुस्से में है क्योंकि उसे कोई इनविटेशन नहीं मिला। लेकिन दिखाया जाता है कि सेकंड मास्टर ऑफ जेंग फैमिली वहाँ पर आता है क्योंकि दू जियांग चुआंग के बेटे दू जियांग यू ने उसके बेटे को ऑलमोस्ट मार ही दिया था और वो अपने एंगर को सॉल्व नहीं कर पाया, इसीलिए वो ढूंढता हुआ दू जियांग चुआंग के पास आ जाता है। तो दिखाया जाता है कि सारे के सारे रिपोर्टर्स जो बैंक्वेट में आए होते हैं वो इस सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करने लग जाते हैं। तो वहीं दिखाया जाता है जियांगिंग वहाँ पर आती है, जो कि बहुत ही शांति से सबको बताती है कि उसे किडनैप किया गया और ह्यूमिलिएट किया गया सेकंड मास्टर ने जो कि जेंग फैमिली का है।
और साथ ही ये भी बताती है कि किस तरह से दूजिंग यू वहाँ पर आया और उसे उसने बचाया। दिखाया जाता है कि जियांगिंग के सिर के ऊपर ब्लड लगा होता है और वो बहुत ही कंपोज्ड होती है ये सब बोलते समय। जियांगिंग डायरेक्टली पॉइंट आउट करती है सेकंड मास्टर ऑफ जिंग फैमिली के ऊपर कि वो डेलिब्रेटली उसके लिए ट्रबल क्रिएट कर रहा है, क्योंकि दू जियांग चांग जो है उसे फेवर करते हैं इसीलिए। तो वो एविडेंस के तौर पे जिंग यिंग अपनी शॉल को हटाती है और अपने जख्मों को दिखाती है जो उसके नेक के पास होते हैं। तो दिखाया जाता है जो रिपोर्टर्स होते हैं वो सारे उसकी पिक्चर्स खींचते हैं, जिसकी वजह से जो सेकंड मास्टर होते हैं जिंग फैमिली के, उन्हें बहुत ही अशेम्ड फील होता है। लेकिन दिखाया जाता है कि दू जिंग चोंग बहुत ही काम रहते हैं और अपनी फिस्ट को बहुत ही ज़ोर से दबाते हैं अपना एंगर दिखाते हुए। दिखाया जाता है कि दू जियांग चोंग कवर करते हैं जिंग यिंग को अपने कोट के साथ और वो अनाउंस करते हैं कि वो उससे शादी करेंगे, और साथ में सेकंड मास्टर ऑफ जेंग फैमिली को वॉर्न करते हैं कि उन्हें रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा क्योंकि उसने उसकी फ्यूचर वाइफ को किडनैप किया था। इसी के साथ एपिसोड 4 की समाप्ति होती है।